5, calculate the compound interest on rupee 5000 in 2 years. प्रिंसिपल हो गया 5000, टाइम हो गया 2 years, ठीक है. आगे बोला है इफ द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव इयर्स बी 10% एंड 12%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार दो है, एक 10% है एक 12% है. सक्सेसिव ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर, आने वाले ईयर्स के हिसाब से. एक ईयर इतना है और नेक्स्ट ईयर इतना है. सेम फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. यहां मैं लिख रही हूँ ए इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू 5000, ठीक है, 1 + R/100. ये तो 1 ईयर के लिए हो गया. सक्सेसिव ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है 12% है, तो एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है. एक ईयर और होता तो एक और ब्रैकेट बना देते. जितने ईयर्स उतने ही ब्रैकेट्स बनते रहेंगे अगर अलग अलग रेट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है. दो रेट्स थे तो दो ब्रैकेट्स बनाए हैं. सॉल्व करते हैं 5000, इसे एलसीएम लेके 110/100 बन रहा है, ये एलसीएम लेके 112/100 बन रहा है, ठीक है. 00, 00, 00 एंड 00, तो ये हमारे पास आ गया 55 × 112. ये सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 5605606160. तो अमाउंट तो आ गया हमारे पास 6160. हमें क्या फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसपे हमें, दैट मीन्स सी आई निकालना है, विच इज ए माइनस पी. कितना हो जाएगा, 6160 में से ए माइनस करो, दैट इज 5000 माइनस करो, कितना आ रहा है, रुपी 1160.